वैसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो प्रीति के डैड से, तो ये है वो पपी प्यारा सा। प्रीति ने बताया ये शिट्ज़ू और लैप्सा का मिक्सचर है। फाइनली पहुंच चुके हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है, देख लो ये है प्रीति के हाथ। अब आपको ना पूरी फैमिली का रिएक्शन दिखाऊंगा कि 3.5 लाख रुपए के फोन पे क्या रिएक्शन होगा। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में हैप्पी होंगे। बैकग्राउंड से आपको आइडिया हो गया होगा मैं कहाँ पे आया हुआ हूँ। ये बैकग्राउंड मतलब काफी जाना पहचाना सा है। मैं आया हुआ हूँ गाइस गुड़गांव में, ऑलमोस्ट मैं 1 साल बाद गुड़गांव आ रहा हूँ, वो भी मतलब कुछ काम से आया हूँ। आज 4th of December है, संडे है और मैं फ्राइडे को ही यहाँ पे आ गया था। मैं और मतलब प्रीति के डैड साथ में यहाँ पे आ गए थे और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं। अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी जल्दी से एक बार रेडी हो जाता हूँ। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आज आपका भाई बहुत मोटा वाला खर्चा करने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज की वीडियो शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। वो जो भी मैं करने वाला हूँ आप सबके लिए करने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिले। तो ठीक है, अभी एक बार मैं रेडी हो जाता हूँ जल्दी से। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 4 बजने वाले हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं। फोन लेने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा साइबर हब, साइबर सिटी में साइबर हब है तो वहां पे उनका स्टोर, अभी जल्दी से जल्दी चलते हैं और फिर फोन एक बार पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक डॉग पपी रखा हुआ है, प्यारा सा है, क्यूट सा है, अपने स्कूबी जैसा ही है। ये है वो पपी प्यारा सा है ना, ये पता नहीं क्या है, शिप क्या वो बता रही थी, मतलब प्रीति ने बताया ये शिट्ज़ू और लैप्सा का मिक्सचर है। मतलब क्या रहा है, क्यूट है, मतलब ये टॉय ब्रीड में आते हैं, मतलब टॉय कैटेगरी में आते हैं। क्या रहा है, क्यूट सा है इस, लेकिन ना इसके क्या है, पूरे बाल बाल है ना वो मेरे लोअर वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा लग गए थे, है ना। आजा आजा है ना, इसके लिए देखना यार, एक्टिव बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो आपको है ना हेलो बोल दे, यूट्यूब फैमिली को हेलो बोल दे। और इसकी एक बार आइज देखना, आइज कितनी प्यारी सी है, क्यूट सी है इसकी आइज ना। देखते हैं अभी जल्दी से चलते हैं और एक बार वो फोन पिक कर लेते हैं और फिर घर जाके देखेंगे, हिसार जाके पापा का रिएक्शन देखेंगे कैसा होता है। लिफ्ट बुला लेता हूँ एक बार जल्दी से, आ जाए जल्दी, आ जाए जल्दी, आ जाए यार, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, वेट नहीं हो रहा है अभी। तो यार जल्दी जल्दी चलते हैं, पूरा ट्रैकिंग हो जाती है यहाँ से निकालने में ना। ऑलमोस्ट 1 साल बाद यहाँ पे गुड़गांव में आ रहा हूँ, पहले पूरे रास्ते याद थे, अब ऐसा लग रहा है करण अर्जुन वाली फीलिंग आ रही है। वो नहीं होता कि हाँ ये बिल्डिंग देखी हुई है, ये रास्ते भी देखे हुए हैं, ये वाली रोड ना बहुत प्यारी लगती है, दोनों साइड ट्रीज ही ट्रीज लगा रखे हैं। अब यहाँ से लेफ्ट है ना उद्योग विहार, लेफ्ट देखो याद है ना मुझे। आज संडे है और संडे पे ना बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, मेरे को लगा था संडे को तो ऑफ होता है तो पूरा रोड जाम मिलेगा, बट यहाँ पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है, आज बिल्कुल रोड खाली है। जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं, अरे यार ट्रैफिक मिल गया यार, सही बता रहा हूँ, मेरी काली जुबान है यार, मतलब ना अभी बोल रहा था कि ट्रैफिक नहीं है और ट्रैफिक आ गया। अभी लेफ्ट, अब वैसे रास्ता चेंज हो गया। हाँ ये बीच में बंद कर दिया ना इन्होंने, ये यूटर्न वगैरह था, अंडरपास होकर जाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ से आगे से है, अभी अभी सीधा जाना, ओके स्लाइड राइट, तो ये वाला रास्ता बना दिया, पहले यूटर्न था ना, अब यहाँ से अंडरपास। ये सही में है क्या स्पीड लिमिट 40 की? लगा तो रखा है यार, चलो अपनी तो कोई नहीं, 40 के पास पास ही है। यहाँ से निकल तो गए, पुलिस वाले हैं यहाँ पे, मे भी शायद मैंने ज्यादा स्पीड नहीं भगाई होगी, मुझे शायद नहीं रोकेंगे। लेट्स सी, कुछ लोग होते हैं यार जो ना थोड़ा ओवर स्पीड चलाते हैं, उनको जैसे ही खुले रोड मिले और फिर भगाने की कोशिश करते हैं, पर तुम्हारा भाई उनमें से नहीं है। तो गाइस अभी यहाँ साइबर सिटी तक पहुंच चुके हैं, अब जाना है अपने को साइबर हब में, राइट साइड पे है, लेकिन उसके लिए भी अंडरपास लेना पड़ेगा। अच्छा ये वाला है ना अंडरपास, तो ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ से देखना यार व्यू कितना प्यारा आ रहा है उसका, सनसेट का, इसमें लाइटिंग है, ठीक है अच्छा है। यहाँ पे चलाने में ना मजे आ रहे हैं यार, फुल पूरा घूम घूम के जा रहे हैं, पूरा वाइस सिटी वाली फीलिंग आ रही है। पार्किंग अंदर ही मिल जाएगी ना, पहुंचने वाले हैं यार, अब हार्ट बीट तेज हो रही है, बस वो जल्दी से देखना है कैसा होगा। अभी एक बार ना बस एंट्री करवा लेते हैं, आज संडे है ना, संडे के चक्कर में कहीं पे भी पार्किंग अवेलेबल नहीं है, बाकी फर्स्ट रो में देखते हैं। फाइनली पार्किंग स्पेस मिल चुका है, यहाँ पे लगा देता हूँ एक बार गाड़ी, एक बार इसमें से वो निकाल लेता हूँ रसीप्ट। ये यार ये रसीप्ट देनी पड़ेगी, इन्होंने बोला था हार्ड कॉपी साथ लेके आनी पड़ेगी। ये देख लो ये है रसीप्ट, तुम्हारे भाई ने ना 22/10/2022 को बुक करवाया था, अभी आपको पता चल ही गया होगा मैंने क्या बुक करवा रखा है। पता है मैंने जब बुक करवाया था ना, बुक करवाने की भी बहुत तारीख जो थी ना बहुत काफी अच्छी थी, मतलब धनतेरस को कहते हैं ना कुछ लेना चाहिए, शॉपिंग करनी चाहिए, तो धनतेरस पे मिल तो नहीं पाया बट मैंने बुक करवाया था, तो डेट है वो काफी स्पेशल है। अभी बस जल्दी से जाके ले लेते हैं, बस यार अब जल्दी से जाके ढूंढते हैं यूनिकॉर्न का है। आज तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा संडे है ना, तो संडे की वजह से दिखा देता हूँ बैकग्राउंड में। फाइनली पहुंच चुके हैं, यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, अब आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मैं क्या लेने आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ना एक बार पहले फोन दिखा देता हूँ आपको, कौन सा वाला लिया है, यहाँ जो कलर है आपको कलर दिखा देता हूँ, ये वाला है स्पेस ब्लैक है, वो सरप्राइज है, मैंने कौन सा लिया है वो आपको पता चली जाएगा।
पूरा लाइनअप है यहाँ पे 14 सीरीज का, प्रो मैक्स भी है, प्रो भी है, प्लस भी है, और साथ में जो नॉर्मल आता है इनका वो भी है। मैंने ना 14 प्रो मैक्स बुक करवाया हुआ है ब्लैक कलर में 1 TB। फिर इधर ऐसे अंकुर शर्मा, हाँ जी हाँ जी अंकुर शर्मा। ओके अभी भैया लेने गए हुए हैं फोन, देखते हैं उसकी फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक कैसा रहेगा। फाइनली गाइस अपना फोन आ चुका है, अब देखते हैं। छोटी सी, मैंने जिस टाइम पे बुक करवाया था ना उस टाइम पे इस पे कैशबैक ऑफर था, ऑलमोस्ट 4000 का कैशबैक था और 6 मंथ की नो कॉस्ट EMI थी, बट अब वो खत्म हो चुकी है। 10-15 हज़ार का नुकसान हो गया कैशबैक का, और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें थी EMI जो ऑप्शन था उस पर जो इंटरेस्ट था वो बच जाता, बट अभी क्या है मुझे और भी इसके साथ ना चार्जर लेना पड़ेगा, ईयरफोन लेनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ इसका इंश्योरेंस का पता करता हूँ, इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा क्योंकि अपना काम है व्लॉगिंग का, व्लॉगिंग में आपको पता है फ़ोन गिरता ही गिरता है, तो वो भी करवानी पड़ेगी। इंश्योरेंस वगैरह कितने का होगा? 14 प्रो मैक्स का इंश्योरेंस है, आपका 2 ऑप्शन आते हैं, थेफ्ट का भी होगा अगर नहीं होता, थेफ्ट का नहीं है, फिजिकल एंड लिक्विड डैमेज। ओके तो 3 साल तक का उसका क्या कॉस्ट रहेगा? 42 समथिंग। ओके मतलब ये पूरा फोन लगभग 2.5 लाख का पड़ जाएगा। जो एक ही पीस आया था 1 TB स्पेस ब्लैक। ओके प्लस सीरीज पे है अभी नॉन प्रो मॉडल दोनों पे है, अगर पसंद आ जाता है तो आपसे 2 फोन ले लेंगे, 2 फोन पे तो कुछ डिस्काउंट दोगे? ट्राई करेंगे। पानी आ गया, पानी फ्री है यहाँ पे, पानी पी लेते हैं एक बार। गाइस अभी का सीन कुछ ऐसे हो चुका है, मतलब फोन तो एक ही लेना था प्रो सीरीज में, बट वो जो डिस्काउंट थे वो सब खत्म हो चुके थे, और थोड़े ही टाइम में प्रीति को भी अपग्रेड करना फोन लेना था, तो अभी बता रहे हैं यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए कोई ऑफर है जो मतलब शायद आज के लिए अवेलेबल है, तो प्रीति को भी फोन लेना है जो मतलब ठीक है वो ले रही है, अभी पसंद कर लिया, पूछ लेता हूँ उसे कलर वगैरह कौन सा पसंद आएगा, वो वाला कलर ले लेते हैं, कल से ये ऑफर भी खत्म हो जाएगा, उसको अपग्रेड करना ही था 1 महीने बाद, बट अभी ले लेते हैं ताकि एटलीस्ट कुछ तो फायदा हो। अभी ये है प्लस सीरीज के कलर्स वगैरह जो ऑप्शन है अपने पास, इनमें से जो है आई गेस डार्क कलर ही पसंद आएगा, एक ये कलर है, एक ये कलर है, और ये वाला जो है ये डार्क कलर है, उसके अलावा एक रेड कलर ऑप्शन हो रहा है इस वेरिएंट में, बट रेड पसंद नहीं आएगा, रेड वाला आई नो, ये वाला कलर ही पसंद आएगा, मैं एक बार पूछ लेता हूँ ये कलर पसंद है तो। ब्लैक ये वाला ठीक है ना, कंफर्म ये वाला ठीक है, ब्लैक ठीक है। चलो ये फाइनल हो चुका है प्रीति ने, जल्दी प्रीति फोन तो दिखा दिया, प्रीति से भी जल्दी मिलवाएंगे, प्लस में भी ब्लैक करवा दो, 256 GB करवा देना। प्लस सीरीज में भी आ चुका है ये वाला, देख लो यार कुछ इस टाइप से है, मेरे को ये वाला अभी ही अनबॉक्स करना पड़ेगा क्योंकि मेरे मोबाइल का जो डाटा है वो सारा इनसे भैया से यहीं पे ट्रांसफर करवा लेता हूँ। ठीक है भैया इनका ना दोनों का करवा दो, बिल करवा दो, इसकी EMI बनवा देना 6 मंथ की, और इसकी तो बनी नहीं सकती नो कॉस्ट EMI में, इसकी फुल पेमेंट कर देता हूँ। लो भैया इसका वो कर दो, पहले आप प्लस की कर देना, पेमेंट वगैरह कर दी, आप बिल वगैरह करवा लेते हैं जल्दी से। देख लो ऑलमोस्ट लॉन्च हुए कितना टाइम हो चुका है, और अभी फिलहाल यहाँ पे देख लो कितनी ज्यादा भीड़ है, बस फाइनली अभी बिलिंग वगैरह हो रही है, उसके बाद अनबॉक्सिंग करते हैं फोन की कैसे लगने वाले हैं। दोनों की होगी भैया बिलिंग? ओके ओके भैया अभी पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं प्रीति वाले फोन की, इसकी रैपिंग कर लेते हैं, बड़ी सेटिस्फेक्शन हो रही है यार इसको अनबॉक्स करते हुए ना, अभी आपको अंदर से दिखा देता हूँ कैसे है। ये है नॉन प्रो मॉडल है, दिखाता हूँ आपको, अभी अच्छा लग रहा है मस्त है ना, अच्छा है ना, ठीक है आप मेरे वाला फाइनल दिखाता हूँ कैसा लगने वाला है। सब बारी है अपना 14 प्रो मैक्स 1 TB को अनबॉक्स करने की, अभी इसको एक बार अनबॉक्स कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको प्रीति से ही अनबॉक्स करवाएं। तो गाइस देख लो ये है प्रीति के हाथ, और मतलब ये है वो, कर दो अनबॉक्सिंग कर दो इसकी एक बार। ओके फाइनली वो सेटिस्फेक्शन हो रहा है ना, मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ इसकी, और ग्लास है टेम्पर ग्लास, पहले मैं अपना पुराने फोन का ना डाटा ट्रांसफर कर लेता हूँ इस फोन में। ओके थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी रात्रि के 10 बज रहे हैं, और जस्ट अभी हम घर पे पहुंचे हैं, वहां पे क्या है व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाया, मेरे पुराने फोन से नए फोन में डाटा ट्रांसफर कर रहे थे वो, तो उसमें ऑलमोस्ट 2 घंटे लग रहे हैं, तो मैं सीधा घर आ चुका हूँ, शॉप्स वगैरह क्लोज हो चुकी थी, कहीं पे भी स्क्रीन गार्ड और कवर नहीं मिला, और जो वहां पे मिल रहे थे वो वाले मेरे को पसंद नहीं आए,
मतलब थोड़ा बुरा भी लग रहा है यार, मतलब जिस टाइम पे मैंने बुकिंग करवाई थी उस टाइम पे अलग ऑफर्स थे, कैशबैक भी था, बट वो कैशबैक वगैरह मेरे को नहीं मिला है। और उसके साथ साथ 4-5 घंटे वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, 4-5 घंटे लगे मुझे परचेजिंग करने में और फॉर्मेलिटीज वगैरह क्लियर करने में। दूसरी चीज, वहाँ पार्किंग वाले ने ना मतलब 250 रुपये ले लिए, उसका भी रिग्रेट हो रहा है यार। ये जो है ये फ़ोन लिया है ये आप ही के लिए लिया है ताकि इससे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स देखने को मिले। तो मैं अभी आपसे एक होप करूंगा कि आज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अभी मैं सोच रहा हूँ फ़ोन को मैं रात को ना यहीं पर रख देता हूँ, मंदिर में रख देता हूँ। थोड़ा सा क्या है, भगवान की ब्लेसिंग्स होती है ना वो भी चाहिए होती है, तो मैं यहीं पर रख देता हूँ। तो राधा कृष्ण जी, ब्लेसिंग्स बनाना, फोन कभी हैंग ना हो, अच्छे अच्छे कंटेंट बने इस फोन से। हिसार जाके इस पे स्क्रीन गार्ड कवर्स वगैरह लगवाएंगे, यूज करना मैं हिसार जाके ही शुरू करूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मॉर्निंग के 9 बजने वाले हैं और आज 5 नवंबर है, मंडे है ना, मंडे है। मैं और अंकल अभी अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं। अंकल से तो आप मिल ही चुके हो ना, वृंदावन वाले ब्लॉग्स देखे होंगे आपने। अंकल ने ब्रेकफास्ट कर लिया और मेरी ब्रेकफास्ट करने की आदत है नहीं, तो अभी मैं बस निकलता हूँ, रास्ते में देखेंगे कुछ। जल्दी हिसार पहुँच के ही मिलते हैं आपसे। अभी हिसार पहुँच चुके हैं और अंकल ने कॉल कर दिया। आंटी लेने आ रहे आपको? सही में आपके आपका कपल बहुत क्यूट है। तो अभी एक बार ड्रॉप कर देते हैं, शायद पहुंच के ना यहाँ। बोरे बोरे देख लो, आंटी वेट कर रहे हैं अंकल का। अभी एक बार मैं ड्रॉप कर देता हूँ। और ये रही हमारी अमानत, जिसमें 3.5 लाख रुपए की अमानत है, फोन वगैरह है। ठीक है अंकल जी, मैं आपसे मिलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ। हाँ आंटी से भी मिल लेता हूँ एक बार। अभी मैंने अंकल को भी ड्रॉप कर दिया, आंटी अंकल को पिक करने आए थे। मतलब ये चीजें काफी क्यूट सी लगती है ना, जब कोई फीमेल आपको पिक करने आती है। तो बस ठीक है यार, मैं भी अपने घर ही चल पड़ता हूँ। मेरे पता नहीं प्लांट्स जिंदा हैं या मुरझा गए, मतलब क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं। वैसे तो मैं उनको पानी देके आया था। कहीं भी चले जाओ यार, कितने दिन भी रह लो, अपना घर ना अपना ही होता है, अपनी टॉयलेट सीट अपनी ही होती है। पता नहीं मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। यहाँ पे तो कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही होगी शायद, तो यहाँ लगा रखा है। कोई नहीं, अपना गाड़ी यहीं लगा देते हैं। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट 12:30 बजने वाले हैं और जस्ट अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और मेरे प्लांट्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल हर्ष पुष्ट और तंदुरुस्त है। मतलब यार ठीक है, इनको भी अकेले रहने की आदत पड़ चुकी है मेरी तरह। अभी मैं सोच रहा हूँ आपको ना पूरी फैमिली का रिएक्शन दिखाऊंगा कि इतने 3.5 लाख रुपए के फोन पे क्या रिएक्शन होगा। ऑब्वियसली बहुत बुरा रिएक्शन होने वाला है। फिर मेरे को लगा अभी इन सेल फोन्स पे ना तो स्क्रीन गार्ड है, ना इसका बैक कवर वगैरह है, तो कहीं ऐसा ना हो कि रिएक्शन के चक्कर में वो फोन गिर जाए या विहान उसको रिमोट की तरह फेंक दे और मेरा ही रिएक्शन देखने लायक हो जाए। तो पहले कल जाके उस पर स्क्रीन गार्ड वगैरह लगवाऊंगा, उसके बाद आपको रिएक्शन दिखाता हूँ फैमिली का कैसा होने वाला है। ठीक है गाइस, अभी वो ज्यादा थक चुका हूँ, अभी बस जाके सोऊंगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।